पिपराइज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक व्यक्ति ने पति व पत्नी को गोली मार दी, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में सिद्धार्थ सिंह नाम के व्यक्ति ने गोपाल यादव व उसकी पत्नी रीता यादव के ऊपर फायर किया है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी सिद्धार्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ में उसके तमंचे व कार को भी बरामद कर लिया है। दोनों घायल पति व पत्नी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जिनकी स्थिति अब सामान्य है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, भाई पैर में नहीं ना, उससे लगा है, पहले का है। चलिए तो हो गया दोनों सर। सर हम थोड़ा लगाए, क्या हुआ भैया, कैसे लगा? नहीं ठीक ठीक नहीं बता पाए। ठीक ठीक उसमें अरे जी, उनका पर्ची दे दिया गया हुआ सी एस सी पिपराई से बी आर डी मेडिकल कॉलेज। एम एस आई मणिपुर सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मणि शेखर है। मैं यहाँ सी एस सी पिपराइज पे चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और आज हमारे यहाँ करीब 3:25 पे एम्बुलेंस से 108 एम्बुलेंस से मतलब 2 मरीज आए। एक का नाम था प्रदीप यादव और एक का उसकी वाइफ थी रीता यादव। दोनों को गोली लगी थी ना, तो दोनों का मतलब हमने ट्रीटमेंट कर दिया, प्राथमिक उपचार कर दिया और पट्टी करके सारे ट्रीटमेंट करके उन्हें हमने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इसको गांव वालों ने उसकी क्या हालत थी, क्या उसकी भी चोट थी एक्चुअली गोली, जैसे हमें पता चला है कि गोली शायद उसने चलाई थी, तो उसे भी गांव ने शायद मारा पीटा है, तो उसे भी चोट थी, सर पर भी चोट थी, पीछे सर पर चोट थी, तो उसे भी हमने मतलब प्राथमिक उपचार करके ही उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आज पिपराइज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में गोपाल यादव और उनकी पत्नी रीता यादव के ऊपर एक सिद्धार्थ सिंह नामक व्यक्ति ने फायरिंग किया है, जिसको मौके से ही हिरासत में लिया गया। उसके पास से जो तमंचा प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया, वो जो जिस कार से वो आया था वो कार भी बरामद की गई है। अभी तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है बेहतर देख रेख के लिए। सभी की स्थिति स्थिर है और शेष अभी तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी अगर आवश्यक होगी तहरीर में आएगा तो की जाएगी।